छोले भटूरे खाए जा रहे थे जी, छोले भटूरे खाए जा रहे थे। और उससे पहले इलायची जी ने एक प्लान किया था कि पुनर्जन्म का कुछ हमारा प्लान चल रहा है सेठ जी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनके दिमाग में एक नया आइडिया है, लेकिन वो किसी तरह किसी कारण वो काम नहीं करा। तो जो भी है, हम अभी भी उसकी कोशिश में हैं। और इलायची जी ने हमें आके बताया कि उनकी शादी की बात की जा रही है, तो हम उन्हें ये बता रहे थे जब तक आप ये पुनर्जन्म का नाटक कर रही हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कोई शादी वादी की बात नहीं करेंगे सेठ जी, क्योंकि वो एक अजीब सा किरदार कर रही हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैं लॉर्ड रैंचो बना हूँ और पिंटू डॉक्टर बना है, तो हम ऐसे कुछ किरदार लेंगे और पुनर्जन्म की एक्टिंग करेंगे। और सेठ जी ऐसी स्थिति में इलायची जी से शादी तो नहीं करवाना चाहेंगे किसी और की। लेकिन इस वक्त इलायची काफी स्ट्रेस लगी, लेकिन आप इतने बड़े बेफिक्र हो के। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और किसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। पिंटू भाभी किसको डरा रही थी, काफी भागते हुए कोई नजर आ रहे हैं। पिंटू भाभी मेरे ख्याल पिंकी जी से डर रही थी, क्योंकि पिंकी जी से उनका कुछ तो पता नहीं, अभी मुझे भी नहीं पता है, क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन पिंकी जी से भाग रही थी ये पक्का देख के। छोले भटूरे खाए जा रहे थे जी, छोले भटूरे खाए जा रहे थे। और उससे पहले इलायची जी ने एक प्लान किया था कि पुनर्जन्म का कुछ हमारा प्लान चल रहा है सेठ जी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनके दिमाग में एक नया आइडिया है, लेकिन वो किसी तरह किसी कारण वो काम नहीं करा। तो जो भी है, हम अभी भी उसकी कोशिश में हैं। और इलायची जी ने हमें आके बताया कि उनकी शादी की बात की जा रही है, तो हम उन्हें ये बता रहे थे जब तक आप ये पुनर्जन्म का नाटक कर रही हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कोई शादी वादी की बात नहीं करेंगे सेठ जी, क्योंकि वो एक अजीब सा किरदार कर रही हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैं लॉर्ड रैंचो बना हूँ और पिंटू डॉक्टर बना है, तो हम ऐसे कुछ किरदार लेंगे और पुनर्जन्म की एक्टिंग करेंगे। और सेठ जी ऐसी स्थिति में इलायची जी से शादी तो नहीं करवाना चाहेंगे किसी और की। लेकिन इस वक्त इलायची काफी स्ट्रेस लगी, लेकिन आप इतने बड़े बेफिक्र हो के। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और किसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। पिंटू भाभी किसको डरा रही थी, काफी भागते हुए कोई नजर आ रहे हैं। पिंटू भाभी मेरे ख्याल पिंकी जी से डर रही थी, क्योंकि पिंकी जी से उनका कुछ तो पता नहीं, अभी मुझे भी नहीं पता है, क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन पिंकी जी से भाग रही थी ये पक्का देख के।